गर्मी आ गई यार, एसी एसी ठीक कराना पड़ेगा, पसीने आ रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस स्प्रे इज नॉट वर्किंग। ओके, मेरा पोपट बन गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टुडे आई विल शो यू माय अमेज़न हॉल, और यू कैन से समर रीस्टॉक हॉल, बिकॉज गर्मियां शुरू हो गई हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट क्या कर सकते हैं यार, ये विधि का विधान है। विधि का विधान है मतलब नेचर्स कॉल होती है यार, वेदर तो चेंज होता ही होता है। सो जब वेदर चेंज होता है ना, तो मेरी बहुत सारी एसेंशियल होते हैं बॉडी केयर के, स्किन केयर के, एक्ने स्किन केयर के, जो चेंज होते रहते हैं। सो मैंने वो सब कुछ रीस्टॉक कर लिया है अमेज़न से, लिटरली पूरा बॉक्स भरा हुआ है। सब कुछ अलग अलग आया था, लेकिन मैंने एक बॉक्स में डाल दिया है। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रीस्टॉक है, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने बाकी इन्फ्लुएंसर्स ब्लॉगर्स के रिव्यूज देखे हैं, मुझे अच्छा लगा कि यार वो अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, फिर आप लोगों ने भी काफी चीजें मुझे सजेस्ट करी हैं, तो वो मैं लेने की कोशिश करी है। सो लेट्स सी इफ दे आर वर्थ द हाइप और नॉट। कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं आपको दे ही दूंगी। इसके अलावा डेफिनेटली अगर आपको किसी प्रोडक्ट का इनडेप्थ रिव्यू चाहिए होगा, प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं डेफिनेटली उसका इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर रिव्यू बनाऊंगी। बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किसका रिव्यू चाहिए प्रॉपरली। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, बिकॉज आराम से अनबॉक्स करेंगे और बातें शाते करेंगे। So let's go. First summer essential is a sunscreen. ऐसा नहीं है कि मैं विंटर्स में सनस्क्रीन नहीं लगाती, लेकिन तब काफी बार रेनी डे होते थे, ग्लूमी डेज होते थे, इतनी सनलाइट नहीं होती, तो मैं भी काफी बार स्किप कर जाती थी जब मैं घर पर रहती थी। लेकिन समर्स में तो सनस्क्रीन चाहिए ही चाहिए होती है, बिकॉज नीचे तक जहां मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ ना, वहां भी काफी स्ट्रॉन्ग सनलाइट आती है। सो अगर आपको नहीं पता, मैं फ्यूचर में पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ अलग अलग सनस्क्रीन के ऊपर। मतलब मैंने अब तक 8-10 सनस्क्रीन जितनी ट्राई करी है, मैं उन सबके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि मुझे कौन सी अच्छी लगी, कंसिस्टेंसी, बेसिकली एवरीथिंग। अभी उसके मेरी नोट्स चल रहे हैं। सो उसी वीडियो के लिए मैंने ये भी परचेज करी है, बिकॉज ये है लाश शील्ड की फिसिको, आई डोंट नो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट ये उनकी फिजिकल सनस्क्रीन है। बेसिकली दिस इज मैट सनस्क्रीन जेल, इसके अंदर 25% माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड है। सो ये फिजिकल सनस्क्रीन है, केमिकल सनस्क्रीन नहीं है, और मैं उस वीडियो के लिए अच्छी अच्छी फिजिकल सनस्क्रीन भी ढूंढ रही हूँ, तो मैंने इसलिए परचेज करी है। सील्ड आई थी बाय द वे, बिकॉज मैंने आते इसकी एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर ली थी, मुझे चुल हो रही थी एज यूजुअल जो होती है, वैसे प्रॉपर सील्ड आई थी। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये कैसी दिखती है। सो इसका भी बिल्कुल वो सिलिकॉनी वाला टेक्सचर है। सो अगर आप एवरीडे बेसिस पे ऑफिस जाते हो, आप केमिकल फिल्टर वाली सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहते, आप फिजिकल सनस्क्रीन लगाना चाहते हो, प्लस आप उसके ऊपर कुछ बीबी क्रीम एंड ऑल लगाओगे, तो आप प्राइमर स्किप करके ना खाली यही सनस्क्रीन अच्छे से लगा सकते हो, बिकॉज इसकी जो है ना हल्की सी प्राइमर फील आती है। सो सनस्क्रीन दिखती है कुछ इस तरह से, एंड वंस यू मसाज इट इनटू योर स्किन, सिंस ये हल्की सी फिजिकल वाली है ना, मतलब ये प्रॉपर फिजिकल सनस्क्रीन है, तो थोड़ा बहुत तो ये वाइट कास्ट देगी स्टार्टिंग में, लेकिन ब्लेंड होने के बाद ये अच्छे से स्किन में चली जाएगी। ये बहुत ज्यादा नरिशिंग है, मतलब इसका मैट वाला फील नहीं है, ये अपने आप को मैट बोलते हैं, लेकिन ये मैट सनस्क्रीन जेल नहीं है। इसका हल्का सा ग्रीसी ग्रीसीनेस मुझे फील होती है, सो आपको इसको लूज पाउडर से डेफिनेटली सेट करना पड़ेगा, बट वंस इट गोज इनटू योर स्किन इतनी कोई वाइट कास्ट पता नहीं चलती, लाइक यू कैन सी कोई वाइट कास्ट नहीं है, लेकिन एक शाइनीनेस और ग्रीसीनेस मुझे डेफिनेटली इसके साथ फील होती है। थिंग जो मैंने परचेज करी है विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू एसपीएफ, लेकिन एक बड़ा नया सा कंसेप्ट है। सो ये मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, वो आई डोंट नो इस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या फिर वो खुद भी परचेज करके, लेकिन वो काफी बातें कर रहे हैं कि इस एसपीएफ टॉप अप पाउडर काफी सही है। सो ये नया कंसेप्ट आ गया मार्केट में, जब हम बाहर रहते हैं तो हमने मेकअप किया होता है, तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगा पाते, डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये एक सनस्क्रीन टॉप अप पाउडर है, इसका नाम है संदीवा एसपीएफ टॉप अप लूज पाउडर। इसके अंदर प्योर सैंडलवुड डस्ट है, जिंक ऑक्साइड है, एसपीएफ 30+ है और पीए 4x+ है इसके अंदर। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवी प्रोटेक्शन आपको देता है, नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, बेसिकली सारी स्किन टाइप इन्होंने कहीं ना कहीं कवर कर दी। ड्राई के लिए नहीं है, बिकॉज लूज पाउडर है ना, तो ड्राई स्किन वाले यूज करेंगे। सो ये आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में, एंड वंस यू ओपन इट, ओके, ये कहीं ना कहीं स्पिल तो नहीं होगा। सो इसके साथ हमें एक स्पंज भी मिल रहा है, जो एक रेगुलर वैसा लूज लूज वाला स्पंज नहीं होता, एंड यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है अभी। ओ वी हैव अ मिरर टू, दैट्स सो क्यूट, ऐसे वाले वैसे पैकेजिंग में मिरर नहीं आता ना, इसमें मिरर भी है, दैट्स नाइस यार। तो अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, आपको पता आपका सन एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो आप नॉर्मल अपनी सनस्क्रीन लगा के निकलो और फिर आप ये कैरी कर सकते हो। लेट्स सी कि एसपीएफ टॉप अप पाउडर इतनी कोई सन प्रोटेक्शन देता ही नहीं देता, अभी मैं इतना कमेंट नहीं कर सकती। इसका एक कॉन है कि इनकी शेड रेंज काफी कम है, बिकॉज लूज पाउडर एक तरह से मेकअप का ही आइटम होता है, तो अगर ये शेड रेंज और बनाते ना तो बेटर रहता। मैंने कोई एक जो शेड रेंज मंगाया, मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी, 2 या 3 ही ऑप्शन थे इनके पास। लिखा है क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, पैराबेन फ्री है, एथिकली सोर्स नेचुरल्स है, नो टॉक्सिन, नो केमिकल यूवी फिल्टर। ओके, तो इनके अंदर केमिकल यूवी फिल्टर नहीं डले हुए हैं, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल सनस्क्रीन का एक टॉप अप पाउडर आप बोल सकते हो। और ये हाइपो एलर्जेनिक है, इसका प्राइस काफी हाई है, 500 समथिंग का है, बट आई थिंक लूज पाउडर चल जाता है अच्छे खासे टाइम के लिए, अगर आप इसको फेस ब्रश से भी स्प्रेड करोगे ना, तो आई थिंक इतना पाउडर काफी सही टाइम के लिए चल जाता है। समथिंग वेरी न्यू इन द मार्केट, मैं डेफिनेटली इसको प्रॉपर टेस्ट करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था मॉइस्चराइजर, जो काफी पहले मुझे रिसीव हो गया था, एक दो हफ्ते पहले, तो इससे पहले वाली जो आपने मेरी
मेरी वीडियो देखी थी एक्ने रेडनेस के ऊपर, मैंने पूरा स्किन केयर रूटीन बनाया था, मैंने उसमें फीचर भी कर दी थी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी. सो मैंने रील पे एक डर्मेट का ना, जो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वो रील्स एंड ऑल में भी काफी कंटेंट बनाते हैं, तो एक रील में मैंने एक डर्मेट की वीडियो देखी थी. शी सजेस्टेड कि अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो ये मॉइस्चराइजर एकदम परफेक्ट है. तो ये कहने की मेडिकेटेड डर्मेट अप्रूव्ड मॉइस्चराइजर, इसका नाम है एक्सेला मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. ये सीबम को रिड्यूस, सीबम सिक्रीशन को कहने कम करता है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, मैट फील है, एंड द बेस्ट थिंग इज ये फ्रेग्रेंस फ्री है. पैराबिन फ्री तो छोड़ो, लेकिन ये फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर है. मार्केट में बड़े कम मॉइस्चराइजर आजकल है जो अच्छे फील होते हैं, लाइट भी फील होते हैं, एट द सेम टाइम फ्रेग्रेंस फ्री भी होते हैं. बिकॉज आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ्रेग्रेंस फ्री ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करूँ, और मुझे जनरली बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इसको कॉन्स्टेंटली तब से यूज कर रही हूँ. आई थिंक मैं ये खत्म भी कर दूंगी एक या दो वीक में. मैं इसका पैक ऑफ टू मंगवाने वाली हूँ. सेम जो अमेजोन पे सेलर है ना, ये पैक ऑफ टू भी देते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो. बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. द ओनली थिंग इज ये क्लेम करता है मैट फील, लेकिन इसकी फील एकदम मैट नहीं है. आई डोंट नो, मे बी मैं अपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम के ऊपर लगा रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे इसमें मैट वाली फील कुछ ऐसा ही लगता है कि मेरी स्किन एकदम सुपर मैट हो गई. बहुत एक अच्छी हाइड्रेटेड ड्यूई मेरी स्किन फील होती है, लेकिन वो ग्रीसी नहीं लगती. लाइक आज ही मैंने बेस पे यही मॉइस्चराइजर लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन एकदम ग्रीसी और पसीने निकल रहे हैं, तो मुझे काफी सही लगी. आई जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट लुक्स लाइक. ऐसे पंप पैकेजिंग में आती है, सो अपने हिसाब से पंप कितना भी डिस्पेंस कर सकते हो. काफी लाइट ये क्रीम है, बहुत हल्की हल्की फील होती है, बिल्कुल भी हैवी ग्रीसी फील नहीं होती. अगर आपको भी एक्ने रेडनेस के इशू है, एक्ने के इशू है, आपको कोई मॉइस्चराइजर सूट नहीं कर रहा, आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन बिकॉज ये आपको डेफिनेटली सूट करने वाला है. इसके इंग्रेडिएंट्स में ना टॉप पर ही, लाइक सेकंड इंग्रेडिएंट ही इसका नायासिनमाइड है. सो डेफिनेटली इसके अंदर नायासिनमाइड की भी अच्छी खासी क्वांटिटी होगी बिकॉज इंग्रेडिएंट्स में ऊपर आ रहा है. सो आप नायासिनमाइड सीरम भी स्किप कर सकते हो, आप अपना कोई नॉर्मल फेस वॉश करो, उसके बाद ये मॉइस्चराइजर भी लगा लो, यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट अप, आई ऑर्डर दिस रोज वाटर फ्रॉम द ब्रांड द नेचुरल वॉश TNW. मैंने बहुत पहले आई थिंक श्रेया जैन की वीडियो देखी थी, शी सजेस्टेड दिस रोज वाटर, तो मुझे तब से आता कि हाँ यार TNW का एक रोज वाटर आता है. मैंने मैक्सिमम ब्रांड्स के ट्राई कर ही लिए हैं, प्लम का ट्राई किया हुआ है, फिर नेचर तत्व का ट्राई किया हुआ है, फॉरेस्ट एसेंशियल का जो दूसरी वाली ब्रांड कौन सी है जो काफी हाई वाला, काम आयुर्वेदा का रोज वाटर, वो अच्छा है लेकिन बड़ा ही एक्सपेंसिव है यार. मतलब स्प्रे करने के लिए गर्मी में मुझे उसके प्राइस बहुत नहीं फील होता. सो मुझे इसका प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और अमेजोन पे डील भी चल रही थी, बाय द वे मैं यहां पे प्राइसेस नहीं मेंशन कर रही, नीचे आपको माय हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपको सबके प्राइसेस दिख जाएंगे बिकॉज अमेजोन के प्राइस ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैं प्राइस नहीं मेंशन कर रही, बट इस पे मुझे काफी सही डील मिली थी. सो ये फेशियल टोनर मिस्ट भी है, मेकअप रिमूवर. ओके, मेकअप रिमूवर की तरफ मैं नहीं यूज करने वाली, मैं इसको रोज वाटर की तरह यूज करूंगी. कोई इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है और प्रेजर्वेटिव फ्री है. ओके, प्रेजर्वेटिव फ्री थिंग इज नॉट गुड. आई डोंट नो ब्रांड क्यों क्लेम करते हैं प्राउडली कि हम प्रेजर्वेटिव फ्री है. प्रेजर्वेटिव चाहिए हमें प्रोडक्ट के अंदर, बिकॉज अगर उसमें प्रेजर्वेटिव नहीं होगा ना तो चीज जब भी खराब हो जाएगी. सो या, दिस हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. काफी सही है. मैं हमेशा रोज वाटर समोसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब मैं धूप में ऊपर जाती हूँ या कहीं बाहर से आ रही हूँ, फील लाइक स्किन एकदम टिंगल कर रही है, फटाफट फेस वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं ठंडा ठंडा रोज वाटर ऐसे फेस पे स्प्रे करती हूँ. बड़ा कामिंग फील होता है, वो जो रेडनेस होती है, जो हल्का सा एक चीज सेंसेशन फील हो रही है ना, वो काफी हद तक कम हो जाती है. वैसे भी मॉर्निंग में जब मैं सीरम्स लगाती हूँ ना, अगर कोई हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम है तो उसके लिए मैं ऐसे रोज वाटर पहले स्प्रे करती हूँ, ताकि मैं डैम स्किन के ऊपर स्प्रे सीरम लगाऊँ, वो ज्यादा बेटर वर्क करता है स्किन के ऊपर. सो इसकी बार मैं मिस्ट चेक करूँ कैसी आ रही है, बिकॉज फेस मिस्ट के अंदर ना थोड़ा सा मैटर करता है कि मिस्ट की क्वालिटी कैसी है. निकल क्यों नहीं रही. ओके, आई थिंक दिस स्प्रे इज नॉट वर्किंग. ओके, मेरा पोपट बन गया यार, इसका स्प्रे तो चल ही नहीं रहा. ओ चला चला चला. ओह, इट्स सुपर फाइन, यू कांट इवन सी इट ऑन कैमरा बिकॉज इतना फाइन ये स्प्रे, कैन यू सी, बहुत फाइन है यार. यहाँ कोई खुशबू नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल खुशबू नहीं है, जो रोज वाटर की हल्की खुशबू आती है वो है इसके अंदर. सो लेट्स सी, आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट 200 ml इज अ रियली नाइस डील, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट एसेंशियल जो है हमारे एक्ने पैचेस, बिकॉज जब गर्मी आती है सीबम सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, स्किन पे ग्रीसीनेस ज्यादा होती है, तो जो व्हाइट वाले पस्ट्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, पस वाले दाने हो जाते हैं, वो मुझे विंटर्स में शायद इतने नहीं होते, लेकिन समर्स में मुझे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली पीरियड्स के अराउंड जब PMSing वाला फेस चलता है, तो मुझे स्पॉट पैचेस चाहिए ही होते हैं. सो जब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मंगाया, बिकॉज आप सब बोलते रहते हो कुछ और सजेस्ट करो कुछ और ये एक किसी दो तीन फॉलोअर्स ने मेरे से पूछा था इंस्टाग्राम पर भी कि प्लीज ये स्पॉट पैच लेके बताना कि कैसे हैं. सो ये पैक ऑफ टू मैंने मंगवाया, इसका सिंगल भी आता है, लेकिन पैक ऑफ टू में ना ज्यादा बेटर मुझे डील मिल रही थी अमेजोन से, तो मैंने पैक ऑफ टू मंगवा के देखा है. सो ब्रांड का नाम है स्पॉट पैच, और स्लिम वाला मैंने इनका वेरिएंट मंगवाया है, स्पॉटेड पैच इट हील इट. ये पस एब्जॉर्बेंट है, रिड्यूस करता है स्कारिंग को, प्रिवेंट करता है प्रिकिंग, मतलब जो हम प्रिक कर देते हैं. इसके अंदर 36 पैचेस है, विच इज रियली नाइस. प्राइस पॉइंट के हिसाब से हमें पैचेस की क्वांटिटी काफी सही मिल रही है. ओ, वी हैव 3 शीट्स इन दिस,
तो इनकी एक बड़ी शीट नहीं आती, इनकी ऐसे 3 शीट्स आती है। एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि हर एक शीट में आपको हर एक साइज अवेलेबल हो रहा है। सो बड़ा वाला साइज भी है, थोड़ा सा छोटा एंड बिल्कुल छोटे वाला। सो आप अपने पास वाला जो एक्ने है, जो भी वाइट हेड होता है ना, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बाय द वे, जो लोग सोचते हैं खाली फेस के लिए होता है, ऐसा नहीं है, ये अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे यूज कर सकते हो। मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था, उसको आई थिंक बिकनी लाइन में कहीं हुआ था, एक जैसे पस टाइप का एक्ने हो जाता ना, उसने ये यूज करे थे एंड शी डेफिनेटली लाइक दिट। सो अगर आपको कहीं वैसे सेंसिटिव एरियाज में भी पस वाला एक्ने हो जाता है ना, काफी बार बट पे हो जाता है, थाइज में काफी बार हो जाता है, आप इन पैचेस को वहां पर भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं सारा गंग को एब्जॉर्ब करने में। सो वी हैव 3 शीट्स इन हेयर। इसके इंग्रीडियंट्स में क्या लिखा हुआ, हाइड्रोकोलॉइड पैचेस हैं, जो रेगुलर हाइड्रोकोलॉइड के मोटे पैचेस होते हैं। देन इसके अंदर सेंटला एजेटिका है, जो काफी अच्छा कामिंग इंग्रीडियंट है। देन सैलिसिलिक एसिड है एंड नियासिनमाइड है। ये मेड इन कोरिया है। ओ, दीज आर कोरियन पैचेस। ओह, सो दिस इज नॉट मेड इन इंडिया, थोड़ी कोई इंडियन ब्रांड है, ये मेड इन कोरिया पैचेस है। तो नेक्स्ट एसेंशियल इज अ रेजर। नाउ जिस दिन मैं ये ऑर्डर प्लेस करी थी ना अमेजोन का, मैंने 5-6 चीजें एक साथ ही ऑर्डर प्लेस करी थी, उस दिन मालविका सेटलानी इंस्टाग्राम पे Q&A कर रही थी। सो उसमें किसी ने पूछा था कि बिकनी लाइन के लिए हमें कौन सा रेजर यूज करना चाहिए। सो मैं यूज करती हूँ जिलेट का, जो ब्लू वाला आता है, जिसका हेड चेंज हो जाता है ना, मेरे पास अभी रखा भी हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए लेके आई हूँ। सो ये वाला मैं रेजर यूज करती हूँ, ये दिखता है कुछ इस तरह से। सो शी सेड कि इससे भी उनको बम्प्स हो जाते हैं। शी सेड मुझे ये पर्पल वाला ज्यादा बेटर लगता है। तो मैंने इंस्टेंटली ये वाले रेजर का हटा दिया था कार्ट से, ये मेरा पुराने वाला रेजर है, मैंने पर्पल वाले रेजर का ऑर्डर डाल दिया था। सो ये दिखता है कुछ इस तरह से, पर्पल वीनस। सो इसमें क्या है, जेल सोप बार समथिंग लगे हुए हैं। सो ये बिकनी लाइन के लिए शी सेड ये काफी सही है, सिर्फ बिकनी लाइन में बम्प्स नहीं होते। और मैंने स्पेसिफिकली वहीं के लिए मंगवाया है, बिकॉज आई शेव डाउन देयर पीरियड्स के कुछ टाइम पहले, मैं शेविंग कर लेती हूँ, मुझे क्लीन करना बेटर फील होता है। पैकेजिंग इतनी बड़ी देते हैं ना, और अंदर से इतना टीनी टाइनी सा रेजर निकलता है, आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं, एक रेजर में छोटी पैकेजिंग बना के दे दो ना। ओके, सो दिस इज हाउ द इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक, दिस इज हाउ द रेजर लुक्स लाइक। यू कैन सी इसमें ऊपर भी जेल वार है, यहाँ पर भी जेल वार है, और एक अंदर एक स्ट्रिप है। काफी लोग पूछते हैं कि आपको पता कैसे चलता है दीदी कि आपका रेजर घिस गया है या फिर रेजर अब आपका चेंज करने का टाइम आ गया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है कि आपकी जो शेविंग है काफी स्मूथ अचीव नहीं हो रही, आपकी अभी भी ग्रोथ हल्की हल्की बची है। नंबर टू होता है ये स्ट्रिप। आप जो भी रेजर्स लेते हो ना मार्केट से, आपको ये एक स्ट्रिप मिलती है, आपको दिख रही है पतली सी स्ट्रिप जा रही है बिल्कुल एग्जैक्ट रेजर के नीचे। जो मेरा ब्लू वाला है ना, उसमें ऊपर वाली स्ट्रिप है, एलोवेरा वाली। सो जब ये स्ट्रिप बिल्कुल घिसनी शुरू हो जाती है ना, मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल घिस जाती है, आई थिंक दैट इज द राइट टाइम जो आपको अपना रेजर चेंज कर लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ द रेजर लुक्स लाइक। आई जस्ट शो यू अ कंपैरिजन। जो मैं करंटली यूज कर रही हूँ वीनस वाला, वो दिखता है कुछ इस तरह से। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा डर्टी है बिकॉज मैं यूज कर रही हूँ। और ये जो नया जेल बार वाला है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें ऊपर नीचे जेल बार है, तो इससे और ज्यादा स्मूथ शेव अचीव होती है। प्लस आप ये वाले रेजर को बिना किसी शेविंग फोम के भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दे क्लेम कि ऊपर नीचे की जो जेल बार है वो अपना गीली होकर ना एक फोम उसके ऊपर अप्लाई होता है, तो आपको अलग से फोम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स सी, मैं डेफिनेटली जब ट्राई करूंगी ना, तो मैं रील्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट करूंगी कि दोनों में से बेटर कौन सा रेजर है। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना, मैं डेफिनेटली आपके लिए करती हूँ। हेयर रिमूवल की बात आई है, तो फेशियल हेयर रिमूवल की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज बॉडी पर जितने बाल आते हैं ना, आई थिंक उतने मेरे फेस पर भी आ जाते हैं, बिकॉज मुझे हार्मोनल इश्यूज है, तो मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा है। और अगर ना रिमूव करो ना, तो मेकअप अच्छा नहीं होता, स्किन केयर ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता, तो मैं हमेशा फेशियल शेविंग करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये रीस्टॉक किया है, ये रेजर मुझे काफी पसंद है। मैंने आई थिंक अब एक साल बाद मैं रीस्टॉक कर रही हूँ, बिकॉज मैं बीच में बाकी ब्रांड्स के यूज करने लग गई थी, वो सब मेरे अब घिस गए, तो मैंने यही पुराने वाला रीस्टॉक कर लिया। ये फ्रॉम द ब्रांड Evior फेस रेजर, दिस इज द ब्रांड नेम, इसका नाम है लेट्स शेव। लेट्स शेव के बॉडी रेजर भी आते हैं, मुझे इसकी बॉडी काफी सही लगती है, बिकॉज यहाँ पे एक आपको एक रबर लाइनिंग मिलती है ना, इससे ग्रिप काफी सही आती है। देयर आर टाइम्स जब आपके हैंड से भी ना रेजर इतना अच्छा ग्रिप नहीं ले पाता, और फिर कट्स के चांस होते हैं, तो मुझे इसकी बॉडी काफी सही लगती है। प्लस वी हैव अ लिड एंड रेजर दिखता है कुछ इस तरह से, मुझे इसका रेजर काफी सही लगता है, मतलब अब तक का जो सबसे सेफेस्ट रेजर है ना, मैं यही बोलूंगी। इट इज नॉट वेरी वेरी शार्प, इट्स नॉट वेरी ब्लंट, इट्स लाइक द राइट रेजर जो आपके फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए एकदम परफेक्ट है। समर एसेंशियल्स की बात और खुशबू की हम बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज गर्मी में इतने ज्यादा पसीने आते हैं ना। सो जब समर्स की बात आती है ना, मुझे ऐसे सिट्रसी एकदम फ्रेश फ्रेश वाली खुशबू पसंद है। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा कैसे है, आपके साथ भी है, आप सीजन के हिसाब से अपने बॉडी में चेंज करते हो, बिकॉज मैं तो करती रहती हूँ। आई फील लाइक विंटर्स में थोड़े से वार्म, थोड़े से स्वीट अच्छे लगते हैं, और समर्स में आते हैं थोड़े से सिट्रसी वाली फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। सो समर्स के लिए मैंने रीपर्चेज किया है प्लम का बॉडी लविंग बॉडी मिस्ट इन द रेंज ट्रिपिंग मिमोसा। सो इनकी ऑरेंज वाली जो ट्रिपिंग मिमोसा
का रीजन है. इट इज लाइक लिटरली जो मौसमी ऑरेंज पाइनएप्पल के जो नोट्स आते हैं ना, जो फ्रेश जूस वाली खुशबू आती है, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है. तो अगर आपको सिट्रसी खुशबू नहीं पसंद तो आप ये स्किप कर सकते हो, बट इफ यू लव खट्टी खट्टी फ्रेग्रेंस तो ये बहुत सही मिस्ट है. सो ये बॉडी मिस्ट है बेसिकली. आप नहाने के बाद इसको अपनी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हो. दिस इज नॉट फॉर योर क्लोथ्स, आप ऑल दो क्लोथ्स पे भी स्प्रे कर सकते हो. इतनी कोई स्टेनिंग नहीं छोड़ के जाता, लेकिन बॉडी के लिए एकदम ये परफेक्ट है. सो दिस इज द बॉटल लुक्स लाइक. बॉडी लविंग जो रेंज है ना इनकी, सारी बॉटल्स काफी ऐसे कोक की पैकेजिंग में आती है. एंड देन वी हैव द स्प्रे. स्प्रे भी इसका काफी फाइन है. एंड दिस लिटरली लाइक समर्स, मतलब इसको लगाते एकदम वो गोवा बीच जो समर्स वाली खुशबू नहीं होती, बिल्कुल वैसी वाइब आती है. नेक्स्ट समर एसेंशियल इज दिस डॉटन की सीका कामिंग जेल. ये मैंने अभी रीस्टॉक नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी फीचर कर रही हूँ इस वीडियो में, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा. यू कैन कॉल इट माई समर एसेंशियल नाइट टाइम का. मैंने ऑलरेडी अपनी अमेजोन कार्ट में डाला हुआ है. जैसे ही खत्म होगा ना, मैं सेकंड का ऑर्डर प्लेस कर दूंगी. सो ये डॉटन की का सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल, ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है. बैलेंस्ड हाइड्रेशन देता है, नो एडेड फ्रेग्रेंस इन दिस वन. सो इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ना वो एलोवेरा जेल ही है. सो कहीं ना कहीं एलो जेल बेस्ड ही है, लेकिन इसके अंदर नियासिनमाइड है, ग्रीन टी है, इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्ने से फाइट करते हैं. इसका टिपिकल वो एलोवेरा जेल वाले टेक्सचर है. यू कैन सी मैंने ऑलरेडी आधा से ज्यादा ये फिनिश भी कर दिया है. मैं इसको डेली रात को यूज करती हूँ. मैं इसका एक थिन लेयर लगा के अच्छे स्किन पे मसाज करती हूँ, और थोड़ी देर बाद ही अच्छे से ड्राई हो जाता है, स्किन के अंदर सिंक इन हो जाता है. बिल्कुल लास्ट स्टेप है मेरे स्किन केयर रूटीन का रात का. सो अगर आपकी भी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, अभी गर्मी में जैसे हम सुबह उठते हैं ना, एकदम ऐसे तेल की खान हुई होती है स्किन, सो उससे बेटर आप ये रात को लगा के सो, ये आपकी स्किन को एक अच्छी हाइड्रेशन देगा और एक्ने को भी कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश करेगा. फाइनली लास्ट एसेंशियल जो मैंने कुछ नया ऑर्डर किया है. सो अगर आपको नहीं पता, मैं मुल्तानी मिट्टी काफी ज्यादा यूज करती हूँ समर्स में. विंटर्स में मैं इतनी यूज नहीं करती, लेकिन समर्स में ऐसे गर्मी हो जाती है, हीट बॉयल्स हो जाते हैं काफी बार फेस पे, कहीं धूप में चले घर आए तो स्किन ऐसे बर्न हो रही होती है. तो मैं रात को ऐसे मुल्तानी मिट्टी के पैक्स लगाना पसंद करती हूँ. ऑयली स्किन एक्सट्रीमली, तो आप खाली रोज वॉटर डालो, दैट्स इट. सो मैंने ऑर्डर किया है हविंता कोई ब्रांड है, बिकॉज मैंने इनका हेयर मास्क ऑर्डर किया था जो इनके सिंगल सिंगल वाले आते हैं, मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने इनकी मुल्तानी मिट्टी भी ऑर्डर प्लेस कर दी है. 100% नेचुरल है, जीएमपी क्वालिटी, प्रिजर्वेटिव, नो एडेड केमिकल, फ्री, वीगन, 100% प्योर प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी, काफी सारे क्लेम्स हैं, बट दिस इज हाउ द मुल्तानी मिट्टी लुक्स लाइक. अगर आपको नहीं पता, मुल्तानी मिट्टी इज कॉल्ड फुलर्स अर्थ. मेरी वीडियो जो यूट्यूब पर सबसे फेमस वीडियो है वो इसी के ऊपर ही है. मैंने एक 30 डेज का मुल्तानी मिट्टी चैलेंज किया था, रोज रात को मैं लगाती थी, एंड डेफिनेटली वो काफी ज्यादा हेल्प करता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, दिस इज अ होली ग्रेल फॉर यू. एंड दैट इज इट फॉर माय समर एसेंशियल हॉल. आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशनल रही होगी. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक माय हॉल स्टोर का मेरा एक लिंक मिल जाएगा, सो प्लीज क्लिक करना. आपको सारे प्रोडक्ट्स वहां पे इजिली विजिबल होंगे विद अपडेटेड प्राइस जो अमेजोन का भी चल रहा है. आप किसी भी आइटम पे क्लिक करके इजिली शॉप कर सकते हो. ऑल्सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज एंड अपडेट्स. वहां पर काफी सारे गिव वेज, रिव्यू स्टोरी, रील रिव्यूज चलते रहते हैं, सो प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी देयर एज वेल. मैं इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी नीचे डाल दूंगी, आप डायरेक्टली क्लिक करके मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. यहां तक आ गए हो, सब्सक्राइब नहीं किया काफी बुरी बात है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे हिट कर दो. एंड या यहां पे आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस भी दिख जाएंगी, यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस एज वेल. कहीं ना कहीं कशिका ज्ञान आपको हर एक वीडियो से मिलता ही रहता है. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.